हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज हम मेडिकल एंड सर्जिकल के क्वेश्चन देखेंगे जो सीएचओ के होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेरे वीडियो में आप बने रहिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक है शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोनोमेट्री इज़ दी मैथड ऑफ मेजरिंग। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है टोनोमेट्री। अब ये किस में यूज़ होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बीपी इन चिल्ड्रन, बी फूड प्रेशर, सी टेम्परेचर एंड डी इंट्राओक्युलर प्रेशर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंट्राओक्युलर प्रेशर। अब ओनली राइट आंसर जानने से तो ये याद नहीं रहेगा जब तक हमें इसके बारे में कुछ पता ना हो। तो एक टोनोमेट्री क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है सिंपल सा, जो हमारे आई में आई के प्रेशर को चेक करता है। ये जो हमारी आई का प्रेशर रहता है को चेक करता है। ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है जब हम टोनोमेट्री के थ्रू हमारा इंट्राओक्युलर प्रेशर चेक कराते हैं तो इससे हमें पता चलता है यदि पेशेंट को ग्लूकोमा हो रहा हो। तो ग्लूकोमा के बारे में पता करने के लिए हम ये टेस्ट लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही होती है उसका हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रीज़न व्हाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी इज़। क्या कारण है कि सर्जरी होने से पहले नेल पॉलिश एंड लिपस्टिक को रिमूव कराया जाता है। ऑप्शन ए साइनोसिस इज चेक्ड, ऑप्शन बी सर्जरी बिकम मोर सक्सेस, ऑप्शन सी सर्जरी बिकम ईजी एंड डी इम्पेयर विजन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साइनोसिस इज चेक्ड। हमारी बॉडी में जो साइनस होता है उसको चेक करने के लिए हम नेल्स देखते हैं, इसलिए नेल्स एंड लिपस्टिक से नेल पॉलिश को या लिपस्टिक को रिमूव किया जाता है लिप्स से, ताकि यदि पेशेंट साइनोस हो रहा है तो वो हमें पता चल जाए। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोसिस इज चेक्ड। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उसमें पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड। ऑप्शन ए एड्रिनल्स, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी एंड डी लीवर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लीवर। लीवर जो रहता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। यही यदि लार्जेस्ट ऑर्गन पूछते हैं क्वेश्चन में तो हमारा राइट आंसर होगा स्किन, और यदि क्वेश्चन में आता है सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन तो राइट आंसर होगा लीवर, और लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेंगे तो लीवर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, द बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय। बाइल का प्रोडक्शन कहाँ होता है। ऑप्शन ए स्टमक, बी लीवर, सी स्किन एंड डी पैनक्रियाज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो बाइल रहता है उसका प्रोडक्शन लीवर में होता है, बट इसका स्टोरेज जो रहता है वो गॉल ब्लेडर में होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वर्म इंजरी। ऑप्शन ए केमिकल, बी इलेक्ट्रिकल, सी थर्मल एंड डी इनहेलेशन। सो राइट आंसर इज, आइए हम देखते हैं इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा इसमें थर्मल। जो वर्म इंजरी का मोस्ट कॉमन टाइप है वो है थर्मल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ए प्रोटेक्शन, बी विटामिन डी सिंथेसिस, सी सेंसेशन एंड डी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये चारों ही जो फंक्शन है वो स्किन के हैं, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइमरी फंक्शन, तो प्राइमरी फंक्शन है उसका ऑप्शन ए प्रोटेक्शन। हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करना हमारी स्किन का प्राइमरी फंक्शन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेवन, ब्लू ग्रे बर्थ मार्क ऑन द फॉरहेड एंड आई ऑफ अ पर्सन इंडिकेट। ब्लू ग्रे बर्थ मार्क, जो जन्म के समय से ही हमें एक ब्लू ग्रे जो बर्थ मार्क किसी किसी पर्सन में पाया जाता है, वो भी कहाँ पर, फॉरहेड और आई पर, तो वो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए स्कैबिस, बी इम्पिटिगो, सी बर्न एंड डी नेवस ऑफ ओटा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नेवस ऑफ ओटा।
इज इंडिकेटेड ब्लू ग्रे बर्थमार्क ऑन फॉरहेड एंड आई. क्वेश्चन नंबर 8. द अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए द लेफ्ट एंटीक्यूबिटल फोसा, बी द लेफ्ट इलियक फोसा, सी द राइट एंटीक्यूबिटल फोसा एंड ऑप्शन डी द राइट इलियक फोसा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी द राइट इलियक फोसा. और जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस. अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को कहा जाता है अपेंडिसाइटिस और ये लोकेटेड किस साइड होती है राइट इलियक फोसा में.